छात्रों, आज हम मेलों की वेला इस कविता का जो व्याकरण का भाग है, पेज नंबर 18 पर जो बात भाषा की है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में जो पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ। हमें क्या करना है, जो शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको हमें क्या करना है, गोला लगाना है। तो इसमें देखो, बाल, दूसरा है बच्चा, शिशु, बालिका और बालक, ऐसे शब्द हैं। इसमें से हमें पर्यायवाची शब्द नहीं है ऐसा शब्द ढूंढकर उसे गोला लगाना है। पर्यायवाची यानी क्या, समान अर्थ वाला शब्द। इसके देखना है बाल शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा नहीं है, तो उसको हमें गोला लगाना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है। देखो, बाल, दूसरा है यहां पर बच्चा, तीसरा शब्द है शिशु, बालिका और बालक। इसमें सारे शब्द है, सिर्फ एक ही शब्द जो लड़की का लगता है, स्त्रीलिंग लगता है, तो यह क्या हुआ, पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाल को बच्चा भी कहते हैं, शिशु भी कहते हैं और बालक भी कहते हैं, पर बालिका नहीं कहते, इसलिए यह शब्द यहां पर नहीं बैठता। दूसरा है स्नेह। स्नेह के लिए प्रिय, प्रेम, प्यार और प्रीति, ऐसे शब्द दिए हैं। हमें क्या करना है, इसमें से पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसके ऊपर हमें गोला लगाना है। तो यहां पर स्नेह, प्रेम, प्यार और प्रीति, यह पर्यायवाची शब्द है। इसमें से प्रिय यह शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसके ऊपर हमने गोला लगाया है। छात्रों, तीसरा शब्द है दीपक। इसके लिए दीप है, प्रकाश दिया है, प्रदीप और दिया। इसमें दीपक, दीप, प्रदीप और दिया, यह पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश यह पर्यायवाची नहीं है। गिरी, पर्वत, नारियल, पहाड़ और भूधर, ऐसे शब्द दिए हैं। तो गिरी के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, उसको हमें गोला लगाना है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, इसमें हमें नारियल अलग दिख रहा है, इसलिए नारियल के ऊपर हमने गोला लगाया है, नारियल शब्द के ऊपर हमने गोला लगाया। उसके बाद शब्द है वन। वन के लिए अरण्य शब्द दिया है, जंगल है, कानन है और बगिया है। हमें तो पता है, हम सीखे थे इसके पहले वाली कक्षा में कि बगिया को बाग कहते हैं, उपवन कहते हैं, इसलिए यहां पर बगिया शब्द इसमें नहीं बैठता, ये पर्यायवाची इसका नहीं है। तो यहां पर देखिए, बाल के लिए पर्यायवाची शब्द है बच्चा, शिशु, बालक। स्नेह के लिए पर्यायवाची शब्द है प्रेम, प्यार, प्रीति। दीपक के लिए पर्यायवाची शब्द है दीपक, दीप, प्रदीप, दिया। गिरी के लिए पर्यायवाची शब्द है पर्वत, पहाड़, भूधर। वन के लिए पर्यायवाची शब्द है अरण्य, जंगल, कानन। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। छात्रों, इस दूसरे प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना, शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखना, यानी वर्ण विच्छेद कहा जाता है। यहां पर बस्ती शब्द है, बस्ती शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिखाया है, किस तरह से वर्ण विच्छेद होता है देखिए। बस्ती शब्द है, पहला वर्ण है ब और दूसरा है स्ती। तो यहां पर ब जोड़ अ, जोड़ स, जोड़ त, जोड़ ई, इस तरह से वर्ण विच्छेद दिया है। यहां पर देखिए, ब उसमें जो अ का स्वर था वो अलग कर दिया है, फिर स जो हलंत, देखो इसके ब के नीचे जो हलंत लगाया है, हलंत का मतलब ये अब आधा हो गया है, इसमें से हमने स्वर निकाला इसलिए ये आधा हो गया है। कोई भी व्यंजन स्वर से पूरा होता है,
देखो इसमें अ का स्वर था जो हमने निकाल दिया और इसको हलंत लगाया, ये आधा हो गया। अभी इसमें भी वैसा ही स्त, यहां पर स्ती है, बस्ती, तो इसमें स आधा है इसके नीचे हलंत लगाया है, उसके बाद तो आधा है इसके नीचे आधा हलंत लगाया है, और आगे ई का स्वर है उसमें, तो ये बनता है बस्ती। शब्द क्या बनता है? बस्ती। दूसरा शब्द देखो, हम अभी उसका वर्ण विच्छेद करते हैं। पहला जो व्यंजन है वो है द। कौन सा है? दुल्हन शब्द है, पहला व्यंजन है द। उसमें से हमें स्वर को अलग करना है। उसमें स्वर कौन सा छिपा है? ऊ का स्वर छिपा है। देखो उसके उसके नीचे पहले ऊ की मात्रा दी है ना, तो इसमें ऊ का स्वर छिपा हुआ था जो हमने अलग किया और इसको हमने हलंत लगाया। उसके बाद ये जो ल है वो आधा दिख रहा है हमें, तो यहां उसको लिखकर उसके नीचे हलंत लगाया, ये आधा हो गया अभी। उसके बाद है ह, उसको भी आधा किया और उसका उसमें जो स्वर छिपा था, उसमें जो स्वर छिपा था उसको भी हमने अलग कर दिया। उसमें कौन सा स्वर था? ओ का स्वर था। और उसके बाद हमने लिखा यहां पर न, न को हलंत लगाया और उसका स्वर हमने अलग किया ओ। द में ऊ का स्वर छिपा था, ल ह ये दोनों भी जोड़े गए थे, ल आधा था उसमें ह को जोड़ा गया था और उसका जो स्वर था ओ वो हमने अलग किया। इसमें न में ओ का स्वर छिपा था, वो भी अलग किया। देखो व्यंजन और स्वर इन दोनों को हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, तभी वर्ण विच्छेद होता है। तीसरा है परिश्रम। इसमें पहला है तो, उसमें जो छिपा है ओ वो हमने अलग किया। उसके बाद र, इसमें ई की मात्रा छिपी है, ई का स्वर छिपा है इसमें, उसको अलग किया। पहली की मात्रा है ये, इसलिए पहली ई यहां पर लिखा है। उसके बाद है श्र। अब यहां पर देखो ये संयुक्त व्यंजन है श्र, इसमें उच्चारण हम जब करते हैं तब श आता है, उसके बाद र, उसके बाद अ। देखो श्र और न, तो इसका वर्ण विच्छेद बनता है प जोड़ अ जोड़ र जोड़ ई जोड़ श जोड़ र जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, इस तरह से। इसके आगे लक्ष्मी शब्द है ल, इसमें से हमने स्वर को निकाला, अस्वर है इसमें। उसके बाद क्ष्म, इसमें क अ श ये दो व्यंजन छिपे हुए हैं, और म इसमें दूसरे ई की मात्रा, दूसरे ई की मात्रा। देखो ल उसमें अ का स्वर छिपा था वो निकाला, उसके बाद क। देखो ये जो क्ष है, ये जो क्ष है वो किस तरह से बनता है देखिए, क्ष क अ श इन दो व्यंजनों से ये क्ष बनता है, इसलिए यहां पर क श और वो आधा होने के कारण वो इससे जुड़ा है, म से जुड़ा है, और म का म को ई की मात्रा लगी है, दूसरे ई की मात्रा लगी है, इसलिए यह लक्ष्मी शब्द ऐसे बनता है। इस तरह से इस लक्ष्मी शब्द का वर्ण विच्छेद है। अब देखो गुण शब्द है। गुण शब्द में पहला वर्ण है ग, उसके बाद इसमें उ दूसरे उ की उ का स्वर है, उसके ऊपर चंद्रबिंदु, अनुनासिक चिन्ह है जो ज, ज में से अ को हमने निकाला, जो स्वर है अ उसको हमने निकाला, तो ये शब्द बनता है गुंज। देखो बच्चों इस तरह से आपको ये पूरा करना है।
बस्ती का वर्ण विच्छेद, दुल्हन का वर्ण विच्छेद दिया है, परिश्रम का वर्ण विच्छेद दिया है, लक्ष्मी का वर्ण विच्छेद दिया है, गुण शब्द का वर्ण विच्छेद दिया है। इसको देखकर आपको आपके पाठ्य पुस्तक को पूरा करना है। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न पूरा होता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। हमें संज्ञा शब्द को चुनकर लिखना है। हमें संज्ञा मालूम होनी चाहिए कि संज्ञा यानी क्या। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हमें किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। वस्तु को नाम दिया जाता है, किसी स्थान को पहचानने के लिए उसको नाम दिया जाता है। तो हमें भी ऐसे ही कुछ यहाँ पर वस्तु के नाम है, व्यक्ति के नाम है या फिर किसी स्थान के नाम है, उसको हमें पहचान कर उसके नीचे रेखांकित करके या फिर उसके आगे जो रेखा दी है उस पर हमें वो छाट कर लिखना है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, धरती नाच उठी है। यहाँ पर कौन नाच उठी है, धरती नाच उठी है। तो हमें पहला उत्तर मिलता है धरती। धरती को आप जो सामने रेखा है वहां पर लिख सकते हैं, कौन नाच उठी है, तो धरती नाच उठी है। पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए हैं। क्या मनाने के लिए सभी जाग गए हैं, पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए हैं। देखो पोंगल यह एक त्योहार का नाम है। पोंगल यह त्योहार का नाम होने के कारण यह क्या है, संज्ञा है। इसके भेद भी हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वैसे तीन भेद है संज्ञा के, वो हम भेद नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको रेखांकित करना है। आज हम पिचकारी खरीदने जाएंगे। आज हम क्या खरीदने जाएंगे, आज हम पिचकारी खरीदने जाएंगे। देखो पिचकारी शब्द, इसको हमें रेखांकित करना है और वही शब्द आगे लिखना है। उसने बहुत तेज ढोल बजाया। उसने बहुत तेज क्या बजाया, ढोल बजाया। किसी वस्तु का नाम यहां पर हमें दिख रहा है, उसने बहुत तेज ढोल बजाया, तो ढोल यह संज्ञा शब्द है। उसके बाद है, मैं मेला देखने अवश्य जाऊंगा। मैं क्या देखने अवश्य जाऊंगा, तो मेला। यहां पर स्थान का पता चलता है, कहां जाने वाला है वो, मेले में। धरती नाच उठी है, धरती यह संज्ञा है। पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए हैं, पोंगल यह संज्ञा है। आज हम पिचकारी खरीदने जाएंगे, पिचकारी यह संज्ञा शब्द है। उसने बहुत तेज ढोल बजाया, ढोल संज्ञा शब्द है। मैं मेला देखने अवश्य जाऊंगा, मेला यह संज्ञा शब्द है। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न पूरा होता है। देखिए इस चौथे प्रश्न में, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। आपको कोष्टक दी है, हरे रंग की एक कोष्टक है, उसमें उसके उत्तर दिए हैं। उसमें शब्द है यात्री, बांसुरी वादक, परिश्रमी, नर्तक और वनवासी, ऐसे शब्द आपको दिए हैं। और पहला प्रश्न दिया है परिश्रम करने वाला। परिश्रम करने वाला कौन होता है, उसको कहते हैं परिश्रमी। वन में रहने वाला वनवासी, यात्रा करने वाला यात्री, नृत्य करने वाला नर्तक, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी वादक। इस तरह से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना था। देखिए परिश्रमी, परिश्रम करने वाला अनेक शब्द है, पर इसके लिए एक शब्द है परिश्रमी। वन में रहने वाला अनेक शब्द है और इसके लिए एक शब्द है वनवासी। इसका अर्थ यही है, पर एक शब्द में इसको लिखा है। तो ये आपको कोष्टक में दिए हैं, उसको हमें ढूंढकर यहां पर लिखना था। देखिए एक बार और आपके पाठ्य पुस्तक में उसे लिखिए। यहां पर हमारा चौथा प्रश्न पूरा होता है। पांचवें प्रश्न में दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। क्या लिखना है हमें, यहां पर बहुवचन लिखना है।
ये सभी शब्द एक वचन वाले हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और अनेक वचन। अनेक वचन मतलब बहुवचन। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों का बहुवचन करना है। यहां पर देखिए पहला शब्द है बस्ती। शब्द क्या है, बस्ती। तो बस्ती का अनेक वचन या बहुवचन करते समय हमें उस शब्द में जो परिवर्तन है वो किस तरह से, वो देखिए। बस्तियां, बस्ती का बनेगा बस्तियां। तो यहां पर जो स्ती है बस्ती, यहां पर दूसरी की मात्रा लगी है, पर यहां अनेकवचन करते समय, बहुवचन करते समय इसको पहली की मात्रा दी जाती है और उसके आगे या लगाया जाता है, तो शब्द बनता है बस्तियां। उसके बाद दूसरा शब्द है कंठी। कंठी शब्द का भी वैसे ही किया जाता है, कंठियां। यहां भी दूसरी की मात्रा है ठीक हो, तो यहां पहली की मात्रा दी जाती है और उसके आगे या लिखकर उसके ऊपर चंद्रबिंदु दिया जाता है। तीसरा है चूड़ी। देखो चूड़ी शब्द का अनेकवचन करते समय इस तरह से किया जाता है, चू डी को, ड को दूसरी पहली की मात्रा, डी और या, चूड़िया। उसके बाद राखी शब्द है राखियां, बांसुरी बांसुरियां, बांसुरियां। यहां देखो यह जो दूसरी की मात्रा थी वो यहां आकर पहली की मात्रा बनी और सभी के आगे या लगाया गया, शब्द बना बस्तियां, कंठियां, चूड़ियां, राखियां और बांसुरियां। उसके बाद यहां पर मोटर शब्द है। अब यहां पर अंत में क्या है वरना, र है, मतलब अ का स्वर है उसमें, और जब ऐसे स्वर होता है तब इसके अनेक वचन करते समय ए होता है, ए और उसके ऊपर चंद्रबिंदु। तो यहां आएगा मोटर का बनेगा मोटरें। क्या बनेगा, मोटर का मोटरें, क्योंकि इस र को एक की मात्रा लगेगी और उसके ऊपर अनुस्वार दिया जाएगा। हाथ हाटे, हाथ का बनेगा हाटे। दुकान का बनेगा दुकाने। मस्जिद का बनेगा मस्जिदें, मस्जिदें। और दीन का बनेगा दीने। देखो यहां पर मोटर मोटरें, हाथ हाथें, दुकान दुकाने, मस्जिद मस्जिदें और दीन दीने। फिर से एक बार देखिए इस बहुवचन को, एक बार अच्छी तरह से देखिए और अपने पाठ्यपुस्तक में इसे लिखे। तो यहां पर हमारा पांचवा प्रश्न पूरा होता है।